Hello, grade 10th. Welcome to my YouTube channel. Let us continue the question number 2 of exercise 11.2. Here I have statement, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle. Concentric circle of radius 6 cm. And measure its length. So here, what is the question here? What are the concentric circle? Concentric circles are those circles which have same center. Like if you have a circle of radius 4 cm, तो आपने center यही रखना है और एक circle और draw कर लेना है. वो कितने centimeter का है? उसका radius कितना है? 6 cm, right? तो these are the concentric circle. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करोगे, फिर आप 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करोगे. ठीक है, सो टेक योर कंपास, स्केल, पेंसिल एंड ड्रा द सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. ठीक है, करो बेटा ड्रा. स्टूडेंट्स, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. अब आप 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करोगे, सेंटर आपने सेम रखना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का इस तरह से आपका सर्कल आएगा. तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का. तो जो 6 सेंटीमीटर का है उसका रेडियस भी आप लोकेट कर दोगे और फिर आप एक पॉइंट लोकेट करोगे. ये देखो 6 सेंटीमीटर का सर्कल है. अब क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर का जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, इसको क्यू दे दो, पी क्यू ओ. 6 सेंटीमीटर का जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से बेटा आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस छोटे सर्कल पे, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से आपकी यहाँ पे टेंजेंट्स आएंगे. देखो, तो अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ये टेंजेंट्स ऐसे जानी चाहिए, मतलब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो अब आप क्या करोगे, कल की तरह जो हमने पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, आप ओपी का बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट ओपी, राइट. सो बाइसेक्ट कर दो ओपी को. तो ओपी टोटल कितनी है, 6 है, 3 सेंटीमीटर, 3 से थोड़ी ज़्यादा खोल के आप इसको बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट द लाइन ओपी. यू कैन सी इन दिस वे यू कैन बाइसेक्ट द लाइन. अब बाइसेक्ट करने के बाद आप लाइन को ज्वाइन कर दोगे, तो ओपी का बाइसेक्ट हो जाएगा. तो अगेन बेटा, जहाँ पे लाइन ओपी को बाइसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आप क्या नेम दोगे, एम. तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एम पे कंपास रख के पी को यहाँ तक मेजर करनी है लेंथ. ठीक है, जैसे हमने कल किया था, सेम वही प्रोसेस है, क्योंकि ये पॉइंट भी तो इस सर्कल का आउटसाइडर पॉइंट है ना. छोटे सर्कल का पी पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, पी पॉइंट उसके बाहर पड़ा हुआ है. तो कल भी हमने ऐसे किया था, पी पॉइंट बाहर पड़ा था, तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से. तो आपको पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, आपको जस्ट ये देखना है कि ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो कर सकते हो. चलो ऐसे शेडेड कर लो. तो जहाँ पर, जिन पॉइंट्स पर ये सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो कर गया ना. ठीक है, तो इसको आप नेम दे दो टी, इसको नेम दे दो आर. टी एंड आर ज्वाइन कर दो, पी टी और पी आर को. तो देखो बेटा, ये मैं ज्वाइन करने लगी हूँ, पी टी और पी आर को मैंने ज्वाइन कर दिया. हैंस पी टी एंड पी आर द टू टेंजेंट्स. अब आप इनकी लेंथ को मेजर करोगे, इनकी लेंथ देखो कितनी आ रही है. पी टी की लेंथ है 4.5, इधर से आप देखोगे पी आर की लेंथ भी 4.5 ही होनी चाहिए. यस, एग्जैक्टली 4.5 आता है यहाँ पे, बिल्कुल सेम आता है. ठीक है, तो बेटा प्लीज़ नोट डाउन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ ओ एम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ सेम सेंटर ओ, दैट इज़ ओ पी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. देन योर थर्ड स्टेप इज ओ पी 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बाई सेक्ट ओ पी एंड गेट द पॉइंट एम. ये पॉइंट हमें मिल गया. फोर्थ पॉइंट इज टेक एम एज सेंटर एंड एम पी एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल. दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट टी एंड आर, ज्वाइन पी टी एंड पी आर. पी टी इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू 4.5. अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ था कि वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. अब देखो, हम पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं. आपको मैंने सर्कल की इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सेंटर से रेडियस जाता है,
टेंजेंट पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो अब देखो ये आपने फिगर ड्रॉ की है, दिस इज़ योर रेडियस जो कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, और ये क्या है, ये बड़े सर्कल का रेडियस है तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपने पीटी फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक है, ओपी की वैल्यू है 6 स्क्वायर, ओटी इज 4 स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, 36 इक्वल्स टू 16 माइन प्लस पीटी स्क्वायर, सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पीटी मिलेगा 4.5। ये आप बेटा कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। सो थैंक यू।